जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुधवार के कुछ विशेष उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। शास्त्र अनुसार ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसमें दोस्तों 5 महा उपाय आज हम बताएंगे आपको, जिससे कि अगर आपको कैरियर में कोई दिक्कत है, आपका बिजनेस अगर सही से नहीं चल रहा है, कारोबार की कोई भी समस्या है, या फिर आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव से आप जूझ रहे हैं या स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन आप कुछ विशेष और आसान उपाय करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित होता है, लेकिन इसके देवता बुध होते हैं और बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम ये रखा गया है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उनको बुधवार के दिन ये कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर कर लेने चाहिए, ताकि जो बुध की स्थिति है वो आपकी स्ट्रोंग बन सके, मजबूत हो सके। क्योंकि दोस्तों, बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन कैरियर और कारोबार में तरक्की के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके इन उपायों को जान लेते हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाले हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का कोई अनिष्ट नहीं होता है, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलने लग जाती है और इस उपाय के द्वारा जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट आपका ठहर नहीं पाएगा, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1,00,000 पाठ के बराबर हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जिनका दान करने के बाद आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके बिगड़े कार्य संवरने लगेंगे। तो दोस्तों, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए, साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश और लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, बुधवार के दिन आप शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्याओं से, कर्ज से परेशान हैं, तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होने लगते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों, हम गणेश जी को कुछ विशेष चीजें अर्पित करके भी अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो चीजें, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, हर बुधवार को भगवान गणेश को समी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर समी पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा ही आप अर्पित कर सकते हैं। जो हरी घास होती है उसे दूर्वा कहा जाता है, ये आपको हर जगह पर अवेलेबल हो जाती है। और दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक
गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दुर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी समस्याओं का हल निकालते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो कि आपको गाय के लिए भी बुधवार के दिन करने चाहिए। मसलन गाय को कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको खिला देनी चाहिए बुधवार के दिन, और अगर आप गाय को इन चीजों को खिलाते हैं तो आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपका हर कष्ट दूर होने लगेगा। तो दोस्तों, बुधवार के दिन गाय माता को हरी घास या फिर पालक का साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा दूर होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गाय को घास और हरा पालक आपको कम से कम 3 महीने तक अवश्य ही खिलाना है, इसके बाद ही आपको फल मिलना शुरू होगा। आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे करके एक एक करके दूर होने लगते हैं। बिल्कुल आजमा कर देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही अचूक उपाय है। गौ माता को हरी घास या फिर पालक का साग खिलाने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होने लगेगी, आपके जीवन के सभी कष्ट संकट रोग परेशानियां सब बहुत दूर होने लगेंगे। और दोस्तों, बुधवार के दिन कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिन्हें बुध मंत्र कहा जाता है। इनका जाप करके भी आप अपने ग्रह दशा को मजबूत कर सकते हैं, अपने बिगड़े कार्यों को संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्र का जाप बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। बुधवार के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और साथ ही कारोबार और कैरियर में तरक्की का योग बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि बुध मंत्र का जप 14 बार ही किया जाता है, यानी 14 टाइम ही आपको ये जप करना होता है। बीज मंत्र है दोस्तों, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुद्धा नमः। मंत्र हमें एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये बीज मंत्र है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। और दूसरा मंत्र है दोस्तों, ओम बुम बुद्धाय नमः या फिर ओम एम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। 14 टाइम जप अवश्य कीजिएगा, आप खुद ही देखेंगे दोस्तों आपका भाग्य कैसे सवरने लगेगा। और एक और विशेष बात हम आपको बता देते हैं, बुधवार के दिन अगर आप अपनी बहन या फिर बहन की लड़की को गिफ्ट देते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर बड़ी बहन है तो सबसे पहले आपको उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार शिक्षा और संचार में आपकी उन्नति होती है और कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आपके रिश्तों में भी मजबूती आती है, परिवार में प्यार प्रेम स्नेह का माहौल रहता है, ग्रह क्लेश से आप बचे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष चीजें जिनको करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। और एक बार फिर से दोस्तों, हम मेन जो चीजें हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, दुर्गा सप्त शती का पाठ बड़ा ही फलदायी रहेगा बुधवार के दिन। हरी मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं, ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना मत भूलिएगा और गौ माता को हरी घास अगर आप खिला सकते हैं या फिर पालक का साग तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। और इसके साथ ही दोस्तों, बुध मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके हर कार्य में आपको सफलता साथ ही साथ नजर आने लगेगी। तो दोस्तों, आपके हर कार्य में जो भी अड़चन है, जो भी विघ्न पड़ रहे हैं, वो सब दूर होते आपको दिखाई देने लगेंगे। सभी कार्य में आपको सिद्धि मिलने लग जाएगी, सफलता मिलने लग जाएगी। भगवान गणेश आपके सब विघ्नों का हरण अवश्य करेंगे और माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा अवश्य ही बनाएगी। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। अगर जानकारी आप लोगों को वर्धक लगी है, कुछ फायदेमंद लग रही है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो परेशान व्यक्ति हैं, जो जीवन की समस्याओं से कठिनाइयों से तकलीफों से जूझ रहे हैं, वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके।
तो इसके लिए वीडियो को आपको शेयर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो धर्म क्रम संबंधी हर प्रकार की नवीन जानकारी के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।